नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए गोरा होने के कुछ घरेलू उपाय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, सुंदर दिखना हर किसी का सपना होता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, तरह तरह की क्रीम चेहरे पर लगाने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। चेहरे की सुंदरता को केवल एक दिन में ही नहीं निखारा जा सकता, चेहरे की सुंदरता निखारने में समय लगता है। वैसे तो मार्केट में भी गोरे होने के लिए बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ये सब प्रोडक्ट बहुत केमिकल युक्त और महंगे होते हैं, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं। आज हम आपको गोरा होने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिनका नियमित इस्तेमाल करने से आप जल्द ही गोरे हो जाएंगे। मित्रों, खीरा खाने के साथ साथ आपको गोरा बनाने का गुण भी रखता है। खीरे को ग्राइंडर में पीस कर चेहरे पर लगाएं और उसके बाद पानी से धो लें। खीरा त्वचा पर बने सभी प्रकार के दाग धब्बों को साफ करता है। मित्रों, रोजाना सुबह शाम टमाटर के छिलके को निकाल कर उसके अंदर के भाग से चेहरे की मालिश करने से चेहरे पर चमक आ जाएगी। मित्रों, अनार का जूस पिए, इससे चेहरे पर चमक आती है। मित्रों, दूध में चावल का आटा मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट से चेहरे की त्वचा को रगड़ें और फिर पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को रोजाना करने से ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और चेहरे पर चमक आ जाती है। मित्रों, आंवला खाने से अनेक फायदे होते हैं, जिसमें से एक है सुंदर त्वचा पाना। आंवले का अपने भोजन में सेवन करें और रोजाना आंवले का मुरब्बा खाएं। इससे 3 महीने के अंदर चेहरा चमक उठेगा। मित्रों, नींबू चेहरे की गंदगी को दूर करता है। नींबू लगाने से काली त्वचा गोरी हो जाती है। नींबू लगाने से त्वचा पर होने वाले काले घेरों से भी छुटकारा मिलता है। नींबू के छिलके को चेहरे पर रगड़ें और आधे घंटे बाद पानी से धो लें। ये प्रक्रिया रोजाना अपनाने से आप जल्द ही गोरे हो जाएंगे। मित्रों, संतरे के छिलके के पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट से चेहरे को धीरे धीरे मालिश करें। यह पेस्ट चेहरे से सभी गंदगी बाहर निकाल देगा, इससे त्वचा में चमक आएगी। मित्रों, अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली का सेवन कर सकते हैं। मछली में ओमेगा 3 नामक तत्व पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। मित्रों, धूप में जाते समय चेहरे को पूरी तरह ढक कर जाएं। चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए चेहरे पर सनस्क्रीन लगा कर जाएं। मित्रों, नहाने के पानी में बादाम के तेल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं, इससे त्वचा नरम हो जाएगी और त्वचा में चमक भी आएगी। मित्रों, पानी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ हमारी रंगत को निखारने का काम भी करता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। मित्रों, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए चंदन पाउडर का इस्तेमाल करें। चंदन पाउडर में बेसन और दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूखने पर ठंडे पानी से धो लें। मित्रों, खाली पेट गाजर का जूस पीने से कुछ दिनों में ही रंग निखर उठेगा। मित्रों, त्वचा में चमक लाने के लिए पके केले को दूध में मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। मित्रों, जिन फलों में विटामिन सी अधिक हो उन फलों का जूस पिएं। मित्रों, गर्मियों में नहाने के पानी में नींबू का रस मिलाकर नहाएं, इससे भी त्वचा में चमक आती है। मित्रों, बर्फ के टुकड़े को चेहरे पर धीरे धीरे रगड़ें। ऐसा करने से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है और यह चेहरे की स्किन को ठंडक भी देता है। मित्रों, शहद में नींबू का रस मिलाकर आधे घंटे तक चेहरे पर लगाएं और फिर पानी से मुंह धो लें। दिन में एक बार ऐसा करने से चेहरे में चमक आएगी। मित्रों, पपीता खाने से भी चेहरे पर चमक आती है। इसके अतिरिक्त कच्चे पपीते को पीसकर इसे गर्दन और चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे की सफाई होती है और बंद रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। मित्रों, नींबू के रस में तुलसी के पत्ते पीसकर चेहरे पर लगाएं, चेहरा चमक उठेगा। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।